मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। नाराज कार्यकर्ता और नेता इस्तीफा देकर पार्टी बदलने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से घासीराम पटेल के बाद दो और नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। इसी क्रम में 10 अक्टूबर को करण सिंह लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देते हुए करण सिंह लोधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा की समस्त जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया। 1962 से आज तक स्थानीय प्रत्याशी नहीं बनाए गए, तो वहीं क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान रखते हुए बीजेपी की समस्त दायित्वों से त्याग पत्र दे रहा हूं। करण सिंह लोधी के इस्तीफे से पहले बीजेपी की ओर से एक और बड़े चेहरे ने अपना पद त्याग दिया। गोविंद सिंह बुंदेला ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर संगीन आरोप लगाए और अपने इस्तीफे में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की पार्टी है। पिछले 4 सालों में मेरे क्षेत्र में समस्त कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया। सामंतवादी सोच इतनी हावी हो गई है कि थाने गुंडों के विश्राम गृह बन गए हैं। जनपद एवं ग्राम पंचायत में करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के संरक्षण के कारण इन क्षेत्रों को न्याय नहीं मिला है। वहीं पहले भी कई बार महाराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी को लेकर विरोध जताया गया है, लेकिन बीजेपी की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खुलकर विरोध जता रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया।